कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप में ऑफशोर फंड्स के जरिए हुए निवेश पर उंगली उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस वैसे तो मोदी सरकार पर अडानी ग्रुप को गलत ढंग से फायदा पहुंचाने का आरोप लंबे अरसे से लगाती आ रही है, लेकिन इस बार उसने ये आरोप दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक ताजा रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। कांग्रेस ने ये दावा भी किया है कि रिपोर्ट में सामने आई जानकारी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग यानी पूरी सच्चाई का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है और इस मामले की पूरी हकीकत उस वक्त सामने आएगी जब लोकसभा चुनाव के बाद जून में देश की सत्ता इंडिया गठबंधन के हाथ में आएगी। कांग्रेस ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पूरे मामले की जांच साझा संसदीय समिति यानी JPC से कराई जाएगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ये तमाम बातें मंगलवार को जारी एक बयान में कही है। इस मामले पर और बात करते हुए जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में एक लंबा सा बयान शेयर करते हुए लिखा, सेबी ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए एक दर्जन ऑफशोर फंड्स ने डिस्क्लोजर नियमों और निवेश सीमा का उल्लंघन किया है। वर्षों के टालमटोल और कायरता के प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आखिरकार भारत के शेयर बाजार नियामक सेबी ने अडानी महाघोटाले के प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान कर ही ली है। साथ ही आपको बताते चलें कि रॉयटर्स ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के बाजार रेगुलेटर सेबी ने पाया है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले एक दर्जन ऑफशोर फंड्स डिस्क्लोजर रूल्स और इन्वेस्टमेंट लिमिट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते रहे, जिसके बाद ही एक बार फिर कांग्रेस ने BJP को घेर लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।